भारत सरकार साड़ी MSP नूं खोण लगी हुई है, MSP खोण की तैयारी च है। जिस तरीके दे नाल मंडियां खत्म होनियां, मंडियां खत्म करके FCI नूं खत्म करना थी, FCI खत्म होने तो बाद साड़ी MSP अपने आप खत्म हो जानी सी। जनेवा दे विच WTO की मीटिंग होने लगी है, उहदे विच भारत ते दबाव पाया जा रहा है कि जिन्ना अनाज भारत दे विच हुंदा है उहदे विचों केवल 15% ही अनाज भारत सरकार किसानां दा खरीदे, बाकी खुली मार्केट ते छड्डे। अज तकड़े होवो, सरकार ते तुहाडा दबाव बनिया होया। जिस तरह दीआं जिमनी चैन चोणां दीआं इलैक्शनां दा रिजल्ट मिलिया BJP नूं और आउण वालियां जिहड़ियां बाकी स्टेटां दीआं इलैक्शनां है उहदे विच अपने भविख नूं बचाउण दे लई BJP इस वेले तुहाडी MSP दी गरंटी देण लई भी तैयार हो सकदी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह किसानां नूं जिथे पिछले दिनां दे विच धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे प्रकाश पर्व दे मौके ते मोदी सरकार वल्लों 3 काले कानून वापस लैण दा वायदा कीता गया, उस दी जिथे आप सब नूं वधाई मुबारकबाद देनी बनदी है। आप सारिआं ने तकड़े हो के उस लड़ाई नूं लड़िआ है, वड्डी पद्धर दे उत्ते साडे उहनां शहीदां योधिआं दा योगदान है जिन्हां ने अपनिआं जानां दीआं आहुतियां दे के इस मोर्चे नूं मजबूती दित्ती और अज मोर्चा जित्तिआ गिआ है। जिन्ना जित्तिआ, हजे पूरा नहीं जित्तिआ गिआ, भावें हजे 50% मोर्चा जित्तिआ गिआ, इहदा वी सिरा साडे उहनां शहीदां नूं जांदा है जां साडे NRI वीरां नूं जांदा है जां साडे उहनां जिन्हां ने लंगरां दी सेवा कीती जां हर उस व्यक्ति नूं जांदा है जिन्हें साडे इस मोर्चे नूं तकड़ा कीता ते मजबूत कीता है। प्यारे दोस्तो, आपां 3 कानूनां दी लड़ाई लड़दे सी, 3 कानूनां दी लड़ाई लड़न दा जिहड़ा मुख कारण सी, आपां इह गल समझदे सी कि लुकवें ढंग दे नाल भारत सरकार साडी MSP नूं खोण लगी हुई है, MSP खोण दी तैयारी च है। जिस तरीके दे नाल मंडियां खत्म होनियां, मंडियां खत्म करके FCI नूं खत्म करना थी, FCI खत्म होने तो बाद साडी MSP अपने आप खत्म हो जानी सी। उहदे ते आपां तकड़े हो के लड़िया, उत्थे नक्का लाया, उहनूं रोक लिया गया भावें, पर हजे MSP दी लड़ाई बाकी है। MSP दे उत्ते आपां अंदोलन जारी है दोस्तो, क्योंकि ओही लड़ाई जिहड़ी असीं 3 काले कानूनां ते लड़ी है उहदा दूसरा रूप ही है MSP दी लड़ाई। क्योंकि तुसीं देखिआ पिछले दिनां दे विच पंजाब दे अंदर साडा पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान कीता सी कि 1 एकड़ दा 25 क्विंटल झोना ही खरीदिया जाएगा, ते जे 25 क्विंटल प्रति 1 एकड़ झोना खरीदण दी गल सी इहदा मतलब की निकलदा है कि जे किसी किसान का 30 क्विंटल निकलिया जां 32 क्विंटल निकलिया जां 34 क्विंटल निकलिया, उपरला 7-8-9 क्विंटल झोना किसी ने नहीं खरीदना सी, इहदा मतलब उस 9 क्विंटल झोने लई तुहाडी खरीद एजेंसी, तुहाडी खरीद पॉलिसी खत्म। इस करके इहने आहिस्ता आहिस्ता 25 क्विंटल तो अगले साल 24 क्विंटल ते आउणा सी, अगले साल 23 क्विंटल ते आउणा सी, अगले साल 20 क्विंटल ते आउणा सी, जिस तरह हरियाणे दे विच आ रही है, राजस्थान दे विच आ रही है। सो इस करके दोस्तो, इह क्यों हो रहा है सारा कुछ, इहदी मेन वजह है कि जिस गैट दे खिलाफ आपां बहुत वारी इह गल कीती है कि गैट दे विचों निकल के कानून आए ने, ते उसे गैट दे विचों इह पॉलिसी निकल के आई है। गैट दे विच कहा गया है कि भारत जिन्ना भी समान खांदा है, चाहे वह तेल बीज ने तेल खांदा है, चाहे उस दाला खांदा है, चाहे वह सब्जियां खांदा है, चाहे वह फ्रूट खांदा है, चाहे वह अनाज खांदा है, उहदा 8% 8.5% बाहर तो मंगाउणा पएगा। इह सन 2005 तो लागू है गल, और हर साल उहदे नाल 0.8% वाधा हुंदा जाएगा, और इह अज दे हालातां दे विच जे जोड़िए तां लगभग 22% दे करीब बनदा है। ਇਹ 22% ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ते जिन्ना बाहर तो आना है ओना साडे देश दे किसानां दा रुलदा जाना है। ओदी इस तरीके दे नाल इस खरीद पॉलिसी तो भजदे जाना सरकार ने। सो इसलिए साडी अपील है दोस्तों, ए भी लड़ाई ओही है जो लड़ाई असीं तिन कानूनां दी लड़े आ। MSP दी लड़ाई भी ओही है। आप सब नूं एक जानकारी देनी बनती है कि थोड़े दिनों दे विच, एक दो दिनों दे विच जनेवा दे विच WTO की मीटिंग होने लगी है। उहदे विच भारत ते दबाव पाया जा रहा है कि जिन्ना अनाज भारत दे विच हुंदा है उहदे विचों केवल 15% ही अनाज भारत सरकार किसानां दा खरीदे, बाकी खुली मार्केट ते छड्डे। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੈਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ BJP ਨੂੰ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ BJP ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ WTO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15% ਅਨਾਜ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਰ ਚੱਲੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਕਦੇ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ਦਾ ਰੇਟ MSP ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਜਿੱਤਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।